अभी की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, राज्यसभा इलेक्शन समाजवादी पार्टी की आपत्ति पर रोकी गई काउंटिंग, यहां फंस गया पेच। लखनऊ उत्तर प्रदेश में 10 सीटों को लेकर हो रहे राज्यसभा नामांकन के साथ ही काफी रोचक बन गया था, लेकिन अब मतदान के बाद मतगणना को बीच में ही रोक दी गई है। इसके पीछे समाजवादी पार्टी की तरफ से आपत्तियों को लेकर कारण बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के एक विधायक को वोट किसी सहयोगी से डलवाने का आरोप लगाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक का वोट रद्द करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि बिना दिखाए ही उस विधायक ने वोट डाला था। समाजवादी पार्टी के पूर्व MLC उदयवीर सिंह ने बताया कि आपत्तियों की वजह से ही काउंटिंग रोकी गई है। जब तक आपत्ति का निराकरण नहीं हो जाता तब तक मतगणना रुकी रहेगी। आपको बता दें कि 10 सीटों के लिए भाजपा से 8 और समाजवादी से 3 यानी कुल 11 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। बीजेपी के 8 और समाजवादी के तीसरे प्रत्याशी के बीच मुकाबला था। शाम 4 बजे तक मतदान चला। इस दौरान समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने पाला बदलकर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। वहीं समाजवादी पार्टी के एकमात्र वोटर ने भी बीजेपी को वोट दिया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एक विधायक जगदीश नारायण राय के समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देने की खबर आई, हालांकि बाद में उन्होंने इनकार किया। वहीं नियमों के मुताबिक उन्होंने मतदान नहीं दिखाया था। जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो जगदीश नारायण का वोट अवैध करने के हेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के तरफ से मांग की गई। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के एक विधायक के वोट को लेकर आपत्ति की। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के विधायक का वोट किसी और ने डाला है। इस आपत्ति की वजह से वोटों की गिनती रोक दी गई। इन खबर की रिपोर्ट।